नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल विद्या लाइव पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम आप सबके लिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो यूपी पैट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन पर फोकस करना है आप सबको और उसके क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस मोटिवेशनल बातों के साथ कि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। इसीलिए आप जो है कामयाबी के लिए हाथों की लकीरों में ना विश्वास रखिए। आपको मेहनत करना है और जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके लिए एक अलंकार है, अलंकार के क्वेश्चन है और इस अलंकार के क्वेश्चन का जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ऐ फूल मेरे फूल से जाकर कहना, ऐ फूल मेरे फूल से जाकर कहना, तेरे फूल ने तुझे फूल भेजा है। इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, निम्नलिखित में से रात का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, क्वेश्चन मिस्टेक है, पहला ही क्वेश्चन है और यहाँ गलती है। नहीं है नहीं, इसकी जगह पे नहीं कि नहीं नहीं होना चाहिए था। निम्नलिखित में रात शब्द का पर्यायवाची है, ये प्रश्न होना चाहिए था। इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निशा। निशा राति का पर्यायवाची है। बाकी ऑप्शन में आप देखेंगे जैसे प्रभाकर, आप दोबारा दूसरे ऑप्शन में देखेंगे जैसे प्रभाकर है, प्रभाकर पर्यायवाची है। प्रभाकर जो पर्यायवाची है ये आपके सूर्य का। दिनेश पर्यायवाची है सूर्य का। भारती जो है पर्यायवाची है ये माता सरस्वती का। आप सूर्य का, भानु, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, दिनेश, ये इसकी पर्यायवाची है। भारती दिनेश भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। बात करेंगे आप भारती की तो भारती आप कहेंगे वागीस मतलब वाणी की देवता अर्थात सरस्वती, बीड़ापाणी अर्थात सरस्वती और भारती पर्यायवाची है किसका, सरस्वती का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको जवाब देना है कि किस कौन सा इसमें किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको चार ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, गिरवाड़, अंशु, मारीच, रश्मि। तो इनमें जो किरण का पर्यायवाची नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए किरण का पर्यायवाची नहीं है, या पर्यायवाची है देवता का, सुर का पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची है देवताओं का। बाकी अंशु, मारीच, रश्मि, ये तीनों पर्यायवाची किसके हैं, किरण के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चपल का विलोम होता है। अब चपल का विलोम निम्नलिखित में से कौन है, अचल, गंभीर, अस्थावर, महान। तो आप इस प्रश्न का जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से चपल का विलोम कौन है। जो चपल का विलोम है ये ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर है। चपल का विलोम अचल होता है, चपल का विलोम अचल है। अगला प्रश्न देखते हैं। तेजस्वी का विलोम क्या होता है। तेजस्वी मतलब तेज, तो जो तेजस्वी का विलोम होता है वो निस्तेज होता है। उपसर्ग, नि उपसर्ग लगने से आप देखिए विलोम शब्द को उपसर्ग लगा करके भी विलोम शब्द बनाया जा सकता है। जैसे आप कहते हैं जन्म का आ लगा लेंगे, आ उपसर्ग, अजन्म, शासन, कु लगा लेंगे, कुशासन, ये क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं और ये शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं अर्थात क्या, विलोम बना देते हैं। अगला प्रश्न है सारंग का अनेकार्थ शब्द समूह है। अब निम्नलिखित में चार ऑप्शन दिए गए हैं, इस तरीके के कई प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब यहाँ एक पर्यायवाची आप जानने से काम आपका नहीं चलेगा।
इसमें आपको ये जानना है कि सारंग जो शब्द है इसमें ये किसका किसका जो है अनेकार्थ शब्द, सारंग शब्द की बात करेंगे तो सारंग शब्द का अनेक शब्द समूह है आपका ऑप्शन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर सी। सारंग का अर्थ चंद्रमा, हाथी, भौंरा, कोयल। तो सारंग का अर्थ होता है चंद्रमा, हाथी, भौंरा और कोयल भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद में इक प्रत्यय से कौन सा पद गलत है। निम्नलिखित में इक प्रत्यय से बने शब्दों में कौन सा प्रश्न गलत है। तो आप देखेंगे किस में इक प्रत्यय, प्रत्यय जो होते हैं ये शब्द के सदैव पीछे लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। तो इक प्रत्यय देखेंगे तो जैसे सामाजिक, ये तो आपका बिल्कुल सही है सामाजिक। दैविक, देव में क्या इक, दैविक। समाज में क्या इक, सामाजिक। पक्ष में क्या इक, पाक्षिक। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए पैतृक, ये क्या है, यही आपका अलग है, यही आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न, सर्व का पर्यायवाची है सर्व। अब सर्व का पर्यायवाची आपको बताना है। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए शार्दुल, ये किसका पर्यायवाची है, ये तो सिंह का पर्यायवाची है। ये किसका है, ये तो सिंह का पर्यायवाची है। केसी ये मोर का पर्यायवाची है। अगर आप देखेंगे सात का ऑप्शन नंबर डी, यही डी आपका जो है ये सही जवाब है। सांप का पर्यायवाची क्या है, पन्नग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पश्चात्य का विलोम है, पश्चात्य का विलोम आपको बताना है। आठवां प्रश्न, पश्चात्य का विलोम जो है वो ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी है ये आपका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चात्य का विलोम है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंक का अनेकार्थी शब्द समूह क्या है, अंक का अनेकार्थ शब्द समूह क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका है नौवें प्रश्न में, नौवें का अंक का मतलब होता है गिनती के अंक, अंक का मतलब होता है नाटक का अंक, अंक का मतलब होता है भाग्य, अंक का मतलब होता है संख्या। ए इज राइट आंसर, ए जो है आपका ये सही जवाब है। अब नाटक का अंक यहाँ पर दिया है, गिनती के अंक दिया है जीवित, जबकि कपड़ा इसका जीवित और कपड़ा ये तो ये दोनों नहीं होते हैं। भाग, संख्या, भाग्य ये गलत है यहाँ, कपड़ा गलत है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ऑप्शन जो ए है यही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भीत और भित्ति शब्द के शब्द युग्म का सही पद है। सब मिला करके आपको ये ध्यान देना है कि भीत और भित्ति का अर्थ क्या होता है। देखिए एक भित्ति है, भित्ति का अर्थ जो होता है, एक भित्ति मतलब वो क्या होता है, दीवार। तो आप देखेंगे दीवार ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है, लेकिन भीति जो है, पहले वाला जो भीति लिखा है, भीत शब्द का अर्थ होता है डर, इसलिए ऑप्शन बी इज आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है यहाँ, सही जवाब है। इस तरीके के प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं। तो मतलब आपको विशेषण बताना है, लेकिन कैसे विशेषण, जो संज्ञा शब्द से बने होते हैं। प्रश्न 11 की बात करेंगे, 11 में आप देखेंगे 11 का जो आप प्रश्न नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है आपका, राइट आंसर है। देखो लखनऊ से ही बना है क्या, लखनवी। लखनऊ क्या संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को आप क्या कहते हैं, संज्ञा। लेकिन हमने आपको बताया है, अगर जैसे हम करते हैं कि जौनपुरी, जैसे आप कहते हैं जयपुरी, तो जयपुर क्या एक स्थान का नाम है, लेकिन जैसे उसमें क्या जोड़ लेंगे, जैसे भी हम उस शब्द में प्रत्यय, कोई भी प्रत्यय लगाएंगे, वो क्या बताने लगेगा वहाँ की विशेषता। जैसे पौराणिक, मानवीय, लखनवी, ये आपका क्या है, ये सब आपके शब्द कैसे हैं, संज्ञा शब्द हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न में दिया है, सभी भारतीय गीता के मतिमय से परिचित हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है, अर्थात आपको यही बताना है मतितमय से परिचित है, मतितमय का शुद्ध रूप क्या है, महात्मय, महात्मय, महात्मय,
महात्मय। तो आप इसमें से चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में आपको बताने हैं कि बारहवें में कौन सा ऑप्शन सही है। तो बारहवें प्रश्न की बात करेंगे, बारहवें प्रश्न का बी इस तरीके से आपका लिखा जाएगा, बी आपका क्या है, बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही जवाब होगा। बी की बात करेंगे, ऑप्शन बी ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, इस तरीके से आपको आपका लिखा जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का परिचय कीजिए। अब आपको आपको बताने होंगे शुद्ध वाक्य कौन से हैं। ए उस पिता उसका पिता भला आदमी था, उसका पिता भला आदमी था। बी जिला अधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें, जिला अधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। सी है मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। ऑप्शन डी है टेलीविज़न पर सारी घटनाएं बताई गईं। अब 13वें प्रश्न में आपको इसमें से देख करके बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। 13वें प्रश्न में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है वो डी, डी क्या है, शुद्ध है। टेलीविज़न पर सारी घटनाएं बताई गईं, टेलीविज़न पर सारी घटनाएं बताई गईं। अब जैसे लिखा है उसका पिता भला आदमी था, उसका पिता भला आदमी था, तो अब यहाँ देखेंगे उसका पिता भला आदमी था। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना, जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें, यहाँ ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, ये भी गलत है, हाथों की बात कर रहा है। उसके पिता भले आदमी हैं या भले आदमी थे, अब उसका पिता, यहाँ ये गलती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कृतवाच्य में क्रिया के लिंग वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है। कृतवाच्य में क्रिया के लिंग वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है। 14वां प्रश्न, 14वें प्रश्न का जो है कृतवाच्य मतलब, कृत का मतलब होता है कर्ता, तो कर्तावाच्य में किससे प्रभावित होंगे, कर्ता से। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन इसका सी सही है, कर्ता से। बहुत ही सरल प्रश्न है, बस केवल प्रश्न के भाषा को समझना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। ऐसी क्रिया जो पहले घटित हुई हो, वह फुटबॉल खेल, देखेंगे महावीर ने पाठ पढ़ा, वह ऑप्शन बी है वह चालक निकला, वह चालक निकला। ऑप्शन सी है वह फुटबॉल खेलता रहा, वह फुटबॉल खेलता रहा। अब इसमें क्रिया बतानी कि पूर्वकालिक क्रिया मतलब ऐसे शब्दों में ये ध्यान देना होता है, अगर ऐसे इस तरीके के प्रश्न आते हैं जिनमें पूर्वकालिक क्रिया, जिनमें दो क्रियाएं घटित होती हैं, एक क्रिया पहले घटित हो जाएगी उसके बाद दूसरी वाली क्रिया घटित होती है, अर्थात दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, पहली क्रिया समाप्त हो जाएगी और दूसरी क्रिया जारी रहेगी। जैसे ऑप्शन डी देखेंगे कि वह खाना खाकर सो गया, अब उसने पहले खाना खाया, ये क्रिया खाना खाना एक क्रिया है, ये क्रिया समाप्त हुई, अब सोने की क्रिया अब वो जारी है, सोने वाली क्रिया जारी है, इसलिए ऑप्शन आपका डी क्या है, यहाँ सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण करता है उसके लिए क्या शब्द हो सकता है, एक शब्द। तो हम तो ऑफलाइन बैच में आप सबको तो कई बार बता चुके हैं, और जब हम आपको पढ़ा रहे थे जैन धर्म में हम आपको बताए थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, उनके द्वारा दिया गया है चार सत्य, जिनमें था सत्य अहिंसा अपरिग्रह और आस्तेय। तो हमने आपको बताया सत्य अहिंसा, दूसरे के हिंसा ना करना, आस्तेय चोरी ना करना, और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है क्या, आवश्यकता से अधिक धन का इकट्ठा करना। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन का इकट्ठा करता है उसे क्या बोलते हैं, अपरिग्रह। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 16 क्या है, 16 इज का सी सही जवाब है। अगला प्रश्न इसमें से पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, पूजा का समानार्थी शब्द नहीं है। अब पूजा शब्द का आपको समानार्थी शब्द पूछ रहा है। तो 17 में देखेंगे आप पूजा शब्द का जो समानार्थी शब्द नहीं है, वंदना ये तो है, विकास ये भी है, अर्चना ये भी है, लेकिन जो आराधना है, आराधना समानार्थी शब्द नहीं है। 17 का आपका क्या है, माफ़ी चाहते हैं, 17 का बी आराधना है। देखिए माफ़ी चाहते हैं, गलती हुई है, आप देखेंगे वंदना है, अर्चना है, आपका
आपका क्या आराधना है, लेकिन जो विकास है ये पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं, अर्थात पर्यायवाची। समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाला। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में कोष और कोष शब्द का शब्द युग्म का सही शब्द भेद है। अब आपको कोष और कोष बताना है। तो देखिए, एक कोष का मतलब क्या हो गया, खजाना। एक कोष का मतलब क्या, शब्द देखेंगे। देखिए, खजाना दो जगह दिख रहा है, और एक कोष का मतलब होता है, हमने आपको बताया, आप जानते भी हैं कि किसी भी कोई भी जो है तत्व, जब किसी भी तत्व में क्या नाभिक होते हैं, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, उसके कोष होते हैं, और उसी कोष में क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कोष का मतलब आप ये कह सकते हैं नाभिक से उस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को आप कह सकते हैं। और दूसरा कोष, कोष का मतलब क्या होता है, खजाना। तो देखिए, खजाना और दूरी लिखा है पहले में, सी वाले में लिखा खजाना और शब्दों का संग्रह। तो आप तुरंत ऐसे ही लगा सकते हैं कि जो आपका 18 है, 18 का क्या होगा, कोष। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कोष जो होते हैं, वो कोष का मतलब शब्दों का संग्रह होता है ना, कि हिंदी शब्द कोष, कोष का मतलब क्या, संग्रह, और एक कोष का मतलब क्या, खजाना। लेकिन यहाँ दूरी लिखा है, दूरी लिखा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब ये भी शब्द युग्म से ही प्रश्न आया हुआ है, कि अन्य और अन्य का अर्थ है, एक अन्य जो दूसरा वाला अन्य है उसका अर्थ तो आप सबको पता होगा, अन्य मतलब दूसरा, और उस अन्य का मतलब क्या, अनाज। इसलिए ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, कि अन्य मतलब क्या, अनाज, और दूसरे अन्य का मतलब क्या, दूसरा। कहते हैं ना कि अन्य कोई व्यक्ति, अन्य का मतलब दूसरा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, संज्ञा हो और वो क्या बता रहा हो, संज्ञा से बना हुआ विशेषण, अर्थात संज्ञा की क्या बता रहा हो, विशेषता बता रहा हो, विशेषता बता रहा होगा संज्ञा से बना हुआ विशेषण। तो आप देखेंगे बीसवां प्रश्न में पहला ऑप्शन दिया है सुंदर, सुंदर तो खुद विशेषण है। कटु, कटु मतलब आप कहते हैं ना कटु वाणी। दूसरा क्या, प्रसन्न, प्रसन्न भी खुद एक विशेषण है। सुखी, अब आप देखेंगे सुखी, अब जब आप देखेंगे सुखी, सुख क्या है, सुख क्या, अरे भाई भाववाचक संज्ञा, सुख दुख, और उसमें से सुखी कैसा है, ये क्या बता रहा है, विशेषता को बता रहा है, संज्ञा की विशेषता सुखी। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, डी क्या होगा, सही जवाब होगा, यहाँ ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न है, बुद्धि और संसार सब संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा। अब बुद्धि में आप जोड़ेंगे तो बौद्धिक एक प्रत्यय, संसार में जोड़ेंगे तो संसारिक। अब ऑप्शन तीनों देखेंगे, आप तीनों देखेंगे 21वें प्रश्न में, तीनों ऑप्शन आप देखेंगे तो तीनों बिल्कुल आपको बी सी और डी एक जैसे नज़र आएंगे। लेकिन इसमें ध्यान देना होगा कि संसारिक कैसे लिखा जाएगा और बौद्धिक कैसे लिखा जाएगा। यहाँ आपका वर्तनी भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्नों को करते समय वर्तनी भी आपको ध्यान देना है कि कौन से शब्द सही लिखे गए। अब जैसे आप देखेंगे बौद्धिक संसारिक, बुद्धिक ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, बुद्धिक। अब बौद्धिक बी और सी में आपका मामला फंस रहा है। अब आपको यही ध्यान देना है कि संसारिक कैसे लिखा जाएगा और बौद्धिक कैसे लिखा जाएगा, संसारिक और बौद्धिक कैसे लिखा जाएगा। तो दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, दोनों अगर ऑप्शन देखेंगे बौद्धिक भी और संसारिक भी। तो इसमें जो इस तरीके के प्रश्न हैं, फिलहाल इसमें आप अगर आप ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी सही है, बौद्धिक, पहला ऑप्शन यही मिल रहा है, बौद्धिक और क्या संसारिक, और संसारिक दोनों ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न 22वें प्रश्न की बात करते हैं। इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। कभी कभी आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, दोनों सही होता तो आप देखते होंगे आए दिन एग्ज़ाम में, अगर आप एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें सबको फुल मार्क दे दिए, जैसे अभी लेखपाल वाले एग्ज़ाम में हुआ है, इस तरीके से पिट के एग्ज़ाम में हुआ था पिछली बार, तो इस तरीके के फुल मार्क दे दिए जाते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शुद्ध शब्द है, किस विकल्प में शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, स्वाति, सवाति, सुवाति, स्वाति। तो आपको देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है, वर्तनी का प्रश्न है और ऑप्शन ए स्वाति बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इस तरीके से आपके 22 प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार पुनः आप रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए, ये आपके पेट के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इस वीडियो को आपके लास्ट तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।